तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लेकर आ चुके हैं क्लास टेंथ का मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 का इंग्लिश का। इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा, ओनली सब्जेक्टिव बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, इसी चैनल पर मिल जाएगा। मेरा नाम है प्रकाश सर और आप देख रहे हैं गुरु मेंटर स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है ना, इस मंथ का आखिरी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो लाइक भी कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में तभी सब्सक्राइब कर रहिएगा, तो नेक्स्ट मंथ में आप लोग के पास वीडियो जाएगा। अन्यथा आप लोग गलत गलत वीडियो देख लीजिएगा तो बाद में आप लोग को समझ में नहीं आए, गलत गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। तो ये सब हो गया है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 10 तक में किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर है, एनी 5 क्वेश्चन, और प्रत्येक 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर मिलेगा। चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। दिया गया कि विच एनिमल्स मिसेस ऑफ मिस्टर गिरिनास यार्ड। चलिए, तो इसका आंसर सिंपली से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा द डॉग मिस ऑफ मिसेस यास यार्ड। ठीक है ना, ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा पहला का आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए इतना जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इतना नोट कर लीजिएगा, पहला का हो जाएगा आंसर। उसके बाद में हम पहला के बाद में देखिए क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इतना क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए, उसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, 5 को बनाना है, जो मर्जी करेगा वो बनाइएगा। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान। डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर नरेटर होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर यहाँ पर नोट कर लो आप लोग, द नरेटर इन्जॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी बट नो बडी वॉज रेडी टू फॉलो इट। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लो आंसर 5 का, लाइक कोई कर दो। ठीक है, मेरा नंबर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, 6270 32720। ठीक है, क्या है, तो 6270 32720। ठीक है, चलिए साइज थोड़ा छोटा। ठीक है, 6270 32720। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइड सॉफ्ट अवे। चलिए, तो इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो 500 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, सिंपली से ध्यान दीजिएगा, छाप लीजिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि हाउ डज द पोएट वांट टू डाई, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आंसर, यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है, छाप लीजिए जल्दी से। ठीक है ना, चलो हो गया, जल्दी से यहाँ पर छाप लो। यहाँ पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसको आप लोग जल्दी से छाप लो, छाप लो, नज़र मत आना, छाप लो। ठीक है, चलिए जल्दी से छाप लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो ये है लघु उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर से छाप लो। ठीक है, माई विलेज पर पैराग्राफ का, हाँ पैराग्राफ लिखना था, तो इस प्रकार से आप लोग लिख देना है, देयर इज अ वेरी प्लेस ऑफ एटमोसफेयर इन माई विलेज, इन द विलेज इज द वेरी प्लेस प्लेस फुल अवे फ्रॉम द नॉइस ऑफ द सिटी, हियर देयर इज नो डर्टी आउट ऑफ द। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लेना है। ठीक है, अपना मिला जुला के लिख लो। उसके बाद में यहाँ पर देखो 13 नंबर क्वेश्चन गूगल पर सर्च कर रहे थे, वो गलती है क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, तो आपने सब देख लेना, यहाँ पर कुछ अलग है, आई एम योर का दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन 13 का आप लोग मतलब देख लेना। ठीक है, अपने मन से चलो। ठीक है, एक बार लाइक भी कर दो इस चैनल को। ठीक है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। ठीक है, 11 तक बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप लोग मिला जुला के आंसर कर लिख लेना है। ठीक है, यही लिख देना, मिला जुला के आंसर लिख देना है आप लोग को। ठीक है, ठीक है, उतना चेक वो करने नहीं जा रहा है। ठीक है, हम लोग तो पढ़ते थे ना, तो जानते थे किस तरह से आंसर लिख देते, अगर क्वेश्चन का आंसर हम लोग को याद नहीं था ना, तो हम लोग इस तरह से लिखते थे। यहाँ पर देख लो, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, कोई क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, जैसे हो गया डिड द नरेटर सक्सेस इन द गेटिंग मिस्टर गिरिनास टू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखते थे डिड जो है ना, इसको हटा कर इतना लिखते थे, इतना लिख देते थे इतना। ठीक है, और कुछ कुछ पैसे जो इसे में से मिला जुला के लिख देते थे, तो नंबर वंबर नहीं कटता था। ठीक है, द नरेटर, तो इस प्रकार से आप तुम लोग भी मिला जुला के लिख देना, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना। ठीक है, चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल वाला रखिएगा। ठीक है।